पटना समेत पूरे प्रदेश में उमस ने लोगों को खूब परेशान किया। रविवार सुबह हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से लोग कुछ राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे तापमान बढ़ने लगा, जिसकी वजह से लोग न घर में राहत महसूस कर रहे हैं और न बाहर। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बीकानेर, वनस्थली, शिवपुरी और रांची होते हुए मॉनसून की रेखा गुजर रही है। अगले दो दिनों में बिहार में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। उसके बाद थोड़ी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस साल अब तक सामान्य से करीब 25% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में मॉनसून की बारिश 657.6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक राज्य में 494.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि बिहार में 15 जून से 30 सितंबर तक मॉनसून की बारिश होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी और बारिश देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।